नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लेते हैं। ये पोर्टफोलियो आया था मेरे ईमेल में। तो गाइस, ईमेल में मत भेजिए कोई पोर्टफोलियो। जो भी पोर्टफोलियो भेजना है, कमेंट सेक्शन है आप लोगों के पास। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अपने वीडियोस में, कमेंट सेक्शन में भेजिए अपना पोर्टफोलियो, तो आसानी रहता है ट्रैक करने में। ट्रैक करने में थोड़ा आसानी रहता, नहीं तो ईमेल में बाई चांस अगर मिस हो जाए तो आप भी बाद में बोलेंगे कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया। तो ये भाई साहब भेजे है मेरे ईमेल में, बीरू देव जी भेजे है। तो ये बोल रहे हैं कि रिव्यू कर देने के लिए, तो SBI स्मॉल कैप लिया हुआ है 5,000, SBI ब्लू चिप फंड लिया हुआ है 2,000, SBI कॉन्ट्रा लिया हुआ है 3,000। तो तीन हो गया फंड आपका सेम AMC का, सेम हाउस का फंड, हाउस का तीन फंड हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया 5,000, HDFC फिर से लार्ज एंड मिड कैप हो गया 1,200, मोतीलाल ओसवाल 3,000 मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है 3,000, निपोन इंडिया मल्टी कैप है 5,000। कितने सारे फंड लेके रखे है देखिए आप, ये निपोन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल US वाला फंड हो गया 1,600, 15 साल का टारगेट है 2 करोड़ चाहिए इनको। तो आपका पोर्टफोलियो सही है, आपका पोर्टफोलियो सही नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। तो इतना ज्यादा फंड्स क्यों लेके रखे आप, पता नहीं भाई साहब, ये इतना ज्यादा फंड्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता बीरुदेव जी, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो आपका जो फंड्स है इतना मैं डाला हूँ अपने टूल पे, देख सकते हैं सारे जो फंड्स है आपका, सारे मैं डाल चुका हूँ। तो मैं 13th of March से इसी साल से डाला हूँ, तो उतना रिटर्न्स वाला मैटर नहीं करेगा। तो ऐसे देखने के लिए कि कितना सारा एलोकेशन है, देख सकते हैं एलोकेशन सबसे ज्यादा दिया हुआ है 16.64, 16.95 निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी, HDFC फ्लेक्सी कैप का। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो हेल्थ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आपका जायंट और लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप में लगा हुआ है आपका करीबन 50% लार्ज कैप में लगा हुआ है, 35% है मिड कैप में और 15% है स्मॉल कैप में। आपका आपका फंड स्टाइल है ग्रोथ का, जो कि अच्छा है, ग्रोथ का फंड स्टाइल रहना चाहिए। और आपका पैसा लग रहा है इंडिया में लग रहा है, क्योंकि आप फंड एक US वाला फंड लेके रखे है, इंडिया में लग रहा है, US में लग रहा है, UK में लग रहा है, और छोटा सा है ताइवान में भी लग रहा है थोड़ा सा पैसा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्टर के बारे में, बात कर लेते हैं। फिनेंशियल में है, देख सकते 24% बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा एलोकेशन है एक ही सेक्टर में फिनेंशियल। बाई चांस मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर या NBFC सेक्टर नीचे आ रहा है, ठीक है, आपका पैसा कुछ भी नहीं बनेगा फिर। ये फिनेंशियल का सेक्टर 25% अपने एलोकेशन का बहुत ज्यादा होता है। सर्विसेज है 10%, कैपिटल गुड्स है 8%। इसका और इसका डिफरेंस हमेशा 10% से कम होना चाहिए पहला और तीसरे का। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा है, ये अच्छा नहीं है, ये एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। बहुत ज्यादा एलोकेशन है एक सेक्टर पे, पूरा आपका पोर्टफोलियो डिपेंडेंट है एक ही सेक्टर पे। ये भागेगा तो आपका पोर्टफोलियो भागेगा, ये नीचे आएगा तो आपका पोर्टफोलियो एकदम डाउन चला जाएगा। कंपनी देख सकते हैं HDFC बैंक टॉप होल्डिंग से, HDFC बैंक तो लगातार कितने दिनों से नीचे जा रहा है, पता नहीं कब उठेगा। अभी बेसिकली सारी बैंकिंग सेक्टर नीचे आ रहे हैं, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एक्सिस बैंक फिर से एक बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, निफ्टी 50 में पैसा लगा हुआ है इनका, ठीक है, सिप्ला में है और HCL टेक्नोलॉजीज में है, ये सब ठीक है। तो मैं जो बोलूंगा, आपका काफी ज्यादा फंड्स लेके रखे हैं आप, ठीक है, इतना ज्यादा फंड्स का जरूरत नहीं है। पहली बात तो यहाँ से बता रहा हूँ मैं, ये HDFC फ्लेक्सी और यहाँ पे मल्टी कैप लेके, दोनों में से कोई एक लेना चाहिए हमेशा, आइदर फ्लेक्सी रखिए या मल्टी रखिए अपने पोर्टफोलियो। इतना ज्यादा फंड रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो का डाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा मतलब आपका रिटर्न्स 12 से 14% में ही आएगा। इतना सारे फंड्स में, इतने सारे कंपनीज में पैसा लग रहा है, मान लीजिए निपोन का एक 100 कंपनी से पैसा लग रहा है, इसमें 100 कंपनी से पैसा लग रहा है, मतलब कितने सारे कंपनी से पैसा लग रहा है आपका। पूरा इंडेक्स का जो एक इंडेक्स रहता है, मान लीजिए एक इंडेक्स का 250 कंपनी होता है, वो आप सारे सारे में ही आप पैसा डाल रहे हैं। फिर क्वांट का स्मॉल कैप हो गया, ठीक है, दो स्मॉल कैप रखना ठीक है। यहाँ पर SBI ब्लू चिप रखे है, उसके मतलब ब्लू चिप एक लार्ज कैप है, मेनली टोटल लार्ज कैप है, उसके ऊपर से आप और एक लेके रखे है लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है, यहाँ पर मेजर चंक लार्ज में रहेगा। फ्लेक्सी कैप यहाँ पर भी मेजर चंक लार्ज कैप में रहेगा। निपोन इंडिया मल्टी कैप यहाँ पर भी 25% लार्ज कैप में रहेगा, मतलब कितना सारा लार्ज कैप का आप एलोकेशन बैठा के रख के अपने पोर्टफोलियो में। अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 30 से 40% एलोकेशन रखिए, वो भी अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है आप। अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करूँ तो मेजर चंक स्मॉल और मिड कैप में होना चाहिए। आप लिखे नहीं है कि आप कौन सा इन्वेस्टर है,
लेकिन मैं मान लेता हूँ आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, फिर भी इतना सारा लार्ज कैप में एलोकेशन अच्छी बात नहीं है। जो आपका ग्रोथ देगा ना, जो ग्रोथ देगा आपके पोर्टफोलियो में, वो मेनली देगा आपका मिड और स्मॉल कैप फंड्स। ये दोनों फंड्स से आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ बनेगा। लार्ज कैप हम लोग रखते हैं अपने पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए, ओनली फॉर स्टेबिलिटी, के नीचे जब आपका आए, मार्केट नीचे आए, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखना ना पड़े, इसके लिए लार्ज कैप है। अगर सारे ही आपका पैसा लार्ज कैप में लगा के रखेंगे आप लोग, तो जब मार्केट बुल मार्केट भी होगा, सारे कंपनीज मान लीजिए भाग रहे हैं, तो लार्ज कैप का कंपनीज उतना ज्यादा भागते नहीं है, तो आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा फिर तो। और एक ये रखे है कि आईसीआईसीआई का यूएस ब्लू चिप, इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटीज है, तो यूएस के मार्केट पे क्यों ही डिपेंड करना। ये भी मेरे ख्याल से ये भी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अच्छा फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा एक बहुत ही अच्छा फंड है, क्वांट एक बहुत ही अच्छा फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप भी ठीक है। ये क्वांट स्मॉल कैप थोड़ा हाई रिस्क की फंड हो गया, ये एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा लो रिस्क फंड हो गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं आपके जगह रहता, देखिए मैं जो दिखाने वाला हूँ अभी, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है कुछ भी, मैं आपके जगह होता तो ये बस एक एडुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से, ये मेरा पर्सनल चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो आप अपना रिसर्च कर लीजिए खुद से, ठीक है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से दिखाइए। आपके जगह मैं रहता तो मैं ऐसा कुछ पोर्टफोलियो बनाता हूँ, मैं कम फंड्स है, डाइल्यूशन नहीं होगा, 5 फंड्स रखा हूं मैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 29,000 रुपीज, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है देखिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी में मैं सबसे ज्यादा पैसा डाल दिया, कोई लार्ज कैप, कोई ब्लू चिप वाले को कोई फंडा ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसा आपका लार्ज कैप में लगेगा, एचडीएफसी अगर फ्लेक्सी कैप लेंगे तो। मैं आपकी जगह रहता तो मैं पराग परेक लेता, लेकिन आप ऑलरेडी एचडीएफसी रखे है, तो ये भी अच्छा फंड है, दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये मैं एलोकेट कर दिया इसमें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत ही अच्छा फंड है, 8,000 रुपये एलोकेट कर दिया इसमें। क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, चार चार करके एलोकेट कर दिया, 8,000 हो गया मेरा स्मॉल कैप में। आप ऑलरेडी एसबीआई काउंटर लेके रखे हैं, बहुत ही अच्छा फंड है, काउंटर रखे रही है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ सेक्टोरल फंड्स के बारे में, लेकिन सेक्टोरल फंड नहीं रखना चाहते, एसबीआई काउंटर एक सही ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये प्रूवन रिकॉर्ड है इसका। 3,000 रुपये सबसे कम एलोकेशन में इसमें डाला हूँ, तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है एलोकेशन का चार्ट, कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे करके आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपका रिटर्न्स आराम से 18 से 20% तक आ जाएगा। ये डेफिनेटली कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन आपका जो मैं जो फंड लिया हूँ और डाइल्यूशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 18 to 20% आपका आराम से मिल जाएगा यहाँ से। आपका अगर पोर्टफोलियो में रखता है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्टफोलियो है, ये इंडेक्स का रिटर्न आएगा आपको 12% आएगा, 11 से 12%। ये रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इतने सारे फंड रखने का, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेटर में जाके, अगर आप देख पाएंगे 29,000 मैं डाला हूँ, आपका मंथली जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में पकड़ रहा हूँ 18%, टाइम पीरियड है आपका बोले 15 इयर्स, ठीक है। आपका जो गोल था 2 करोड़, 2 करोड़ 66 लाख, 3.5 करोड़ एक्सक्यूज मी 3.5 करोड़ रुपए आपका बन चुका है ऑलरेडी। इसके ऊपर भी आप अगर स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं, स्टेप अप एसआईपी मतलब 10% से इंक्रीज एवरी ईयर, 29,000 में डाला हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट, एनुअल स्टेप अप में डाला हूँ 10%, प्रति साल अब 10% के से पैसा बढ़ाइए, क्योंकि आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका पैसा, आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से आप 10% भी इंक्रीज करते हैं एवरी ईयर। 18% के हिसाब से मैं पकड़ा हूँ एनुअल रिटर्न्स, टाइम पीरियड 15 इयर्स, ये देखिए 4 करोड़ हो जाएगा आपका, 4 करोड़ 17 लाख्स। ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, ये एकदम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, एग्जैक्ट फिगर्स आपको कोई नहीं बता पाएगा, ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स है। ये मान के आप एक अप्रोक्सीमेट करके चल सकते हैं कि इतना बन सकता है आपका। तो देखिए आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये वाला पोर्टफोलियो जो भेजे है आप, इसमें थोड़ा सुधार करने का जरूरत है, ठीक है। मैं जो पोर्टफोलियो बना हूँ, डीटो कॉपी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप खुद से रिसर्च करके फिर अपना पोर्टफोलियो चेंज करिए, लेकिन कुछ चेंज करने का आवश्यक है इसमें। गाइज अभी तक वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को मत भूलना, और आपका पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच।